गुजरात जनता वती एटीएस टीम ना सब मेंबरों ने अभिनंदन आपको आवेलो तो आपड़े सब जानिए छे गुजरात एटीएस टीम एटले के गुजरात सुरक्षा नी सौथी मोटी जिम्मेदारी जे वर्षो थी उठावती आवी छे अने देश भर में अगर एटीएस नी वात थाय तो गुजरात एटीएस नी अनेक उपलब्धियों नी वात आपड़े सब जानिए छे। हाल में ज एटीएस द्वारा एम कहवाय छे के 72 कलाक थी वधारे समय ऑपरेशन चालू थी ने परत आवता जेमा 72 कलाकनो समय लाग्यो एवो 30 किलो थी वधारे हेरोइन पकड़ी ने 7 थी वधारे ईरानियन ए हेरोइन जे स्मगलिंग करता था एमने पकड़वामां आवेला छे। आ सक्सेसफुल ऑपरेशन बदल आखी एटीएस नी टीम ने अभिनंदन पाठवेला छे। साथे साथे खूंखार आतंकवादना केसों में भी जेनु नाम सामेल हतु एवा अशरफ नागोरी जे सूरत शहरना प्रख्यात वकील पर भी फायरिंगना केस में एमनी संडोवनी हती एवा अशरफ नागोरी ने जे छेल्ला घणा महीनाथी फरार हता एमने महाराष्ट्रथी पकड़ीने एक खूबज मोटू ऑपरेशन पार पाड़ेल छे। आजे एटीएस द्वारा कया प्रकारे साधन सामग्री इक्विपमेंट्स आर्म्स एम्युलेशन्स अने टेक्नोलॉजी नो सहारो लईने गुजरात नी सुरक्षा ना विषय पर जे प्रकारे काम करे छे ए अद्भुत कार्य आखी टीम द्वारा करवामां आवे छे। हुं गुजरात पुलिस ना वडा श्री आशीष भाटिया અને એમની ટીમને ગુજરાતની જનતા વતી અભિનંદન આપ્યા છે અને આવનારા દિવસોમાં એટીએસને હજી વધુ મજબૂત કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે કોઈ કાર્ય આગળ વધારવાના હશે અને એમની માંગણી હશે એ ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે। આભાર। આજ મેં ગુજરાત કી જનતા કે તોર ઓર સે गुजरात एटीएस की टीम को अभिनंदन देने आया था। जिस प्रकार से गुजरात एटीएस की टीम ने दो बड़े ऑपरेशन का जो रिजल्ट लाया है, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से 72 घंटे से ज़्यादा चला ऑपरेशन जिसमें 30 किलो से ज़्यादा हेरोइन जब्त किया गया है, जिसमें 7 ईरानियन को एटीएस द्वारा अरेस्ट किया गया है, उसी प्रकार से एक खूंखार आतंकवाद के मामले में जो कैदी रह चुके हैं जिनको सजा पड़ी थी और उनके सामने कई और गुने गुजरात के अंदर दर्ज किए गए थे, ऐसे अशरफ नागोरी जो पिछले कई महीनों से फरार थे उनको भी एटीएस की टीम के द्वारा महाराष्ट्र से उन्हें अरेस्ट किया गया है। एटीएस की टीम ने गुजरात की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से पिछले कई सालों से काम कर रही है उसके लिए मैंने पूरी टीम को गुजरात की जनता के ओर से धन्यवाद भी दिए है और अभिनंदन भी दिया है और आने वाले दिनों में इसको और सशक्त करने के लिए गुजरात सरकार उनके साथ है। उनको फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। आभार। ये बताइए कि आमतौर पर गुजरात में इससे पहले भी अभी एक बीआरआई ने कंसाइनमेंट पकड़ा है, वो भी 9000 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कंसाइनमेंट माना जा रहा है, ये पहली बार नहीं है कि समुद्र के बीच से एटीएस ने इतना बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा है। गुजरात में किस तरीके से ड्रग्स के को रोकने के लिए गुजरात सरकार अब क्या कदम उठाए? मेरा ये मानना है कि गुजरात पुलिस एक सशक्त पुलिस है और ये इसका प्रमाण है, ये इसका प्रमाण पत्र है कि गुजरात में जब इस प्रकार से कभी भी कोई भी प्रकार की हेराफेरी करने का प्रयास हुआ है तो हमने एक बड़े ऑपरेशंस पार पाड़े और उसमें कहीं ना कहीं हमने एक पॉजिटिव रिजल्ट्स के तौर पे ये एक रिजल्ट आपके सामने आया है। सर, ये जो अफगानिस्तान को लेके भी जो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हुई है उसकी वजह से भी काफी सारे
सारे हेरोइन का हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि स्मगलिंग हो रही है गुजरात पोर्ट्स पे, तो इस डीआरआई वाला जो इन्वेस्टिगेशन और आगे के लिए क्या? सबसे पहले मैं मात्र और मात्र गुजरात एटीएस के द्वारा जो ऑपरेशंस किए गए हैं उसके लिए उनको अभिनंदन देने आया हूँ, और हमारी एटीएस एकदम स्ट्रॉन्ग काम कर रही है, और गुजरात पुलिस सभी बॉर्डर्स जो हमारी स्टेट की बॉर्डर्स है उसको अच्छी तरह से सुरक्षित कर रही है, और हम लोग सशक्त हैं, और हम लोग अच्छी तरह से आने वाले दिनों में इस पे और ज़्यादा काम करेंगे। थैंक यू।